तीसरे नवरात्र के दिन भगवती चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। भगवती चंद्र घंटा सिंह पर सवार हैं, इनकी 10 भुजाएं हैं, जिसमें कमल दाहिनी भुजा में कमल का पुष्प, धनुष, बाण और वर, कमंडल, अक्षमाला आदि धारण किए गए हैं। बाएं हाथ में गदा, त्रिशूल आदि धारण किए हुए तप्त मुद्रा भगवती चंद्र घंटा का ध्यान करते हुए पिंडज प्रवरारु रामचंद्र को पास्त्र के रूतम प्रसादम तरुते मह्यम चंद्र घंटे सुता, इससे भगवती चंद्र घंटा का ध्यान करते हुए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चंद्र घंटा नमः, उनको द्वीप दीप गंध नैवेद्य आदि अर्पित करें कि जिस समय साधक को साधना में विशेष सफलता मिलती है, उसको अनाहत अनाहत का श्रवण होता है, तो उस समय दसों दिशाओं में अनाहत नाद गूंजता है। इसलिए भगवती की जो 10 भुजाएँ हैं और भगवती चंद्र घंटा की उपासना करने से जितनी भी जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो वहाँ से पलायन करते हैं, भूत प्रेत आदि जितनी भी राक्षसी शक्तियाँ हैं वो चंद्र घंटा की उपासना करने से वो इनसे उनको अभय प्राप्त होता है, वो दूर हो जाती हैं, उनसे उनसे मुक्ति मिलती है। और भगवती चंद्र घंटा की उपासना करने से साधक को एक विशेष साधना में सफलता मिलती है, जिससे उस समय अनाहत नाद का श्रवण होता है, तो उस समय भगवती की विशेष कृपा से जो कहते हैं भगवती के मस्तक पर चंद्र घंटे के आकार का चंद्रमा है, जिससे अमृत का श्रवण होता रहता है। तो भगवती चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करने साधक जो है अभय प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और उनकी कृपा से जो है साधना में जो है विशेष गति प्राप्त होती है और साधक को जो अनाहत नाद का श्रवण वो होने लगता है, इसलिए भगवती चंद्र घंटा की उपासना विशेष रूप से की जाती है।